देखते हैं को सुनते गानों को लिए असलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। एज यूजुअल मतलब मैं खूबसूरत लग रहा हूँ माशाल्लाह, आज मैं खूबसूरत लग रहा हूँ, आई नो दैट। मैं नहीं मानता। सो गाइस, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज ज़रा टाइमली उठ गया था, उसके बाद शॉवर लिया, उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ते में ना सूखी रोटी खाई है, थोड़ा सा बस उसके ऊपर घी डाला, और उसके बाद जो है चला गया था, एक काम था वो किया है, दूध लेके आया हूँ, और बस अभी वेटिंग में हूँ, एक जगह जाना है, कुछ थोड़े डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम है, पता नहीं अब कॉल का वेट कर रहा हूँ, तो कॉल आती है तो फिर मैं उधर निकल जाऊँगा। पर आज कोई मज़े की बात ये है, ख़ुशी की बात ये है कि पाए आए थे कुछ दिन पहले, तो वो बस वेटिंग में लगे हुए थे, और आज जो है ना, वैसे तो पाए पकते हैं आपको पता है गैस पे आगे पीछे जो पकाते हैं, लेकिन आज पाए पक रहे हैं घर में, स्पेशल पाए वो पक रहे हैं लकड़ियों की आग पे, जो उसकी वो धुनी और धुआँ शुआँ लगता है ना, जो आपको पता है कि उस आग पे वो गलते हैं अपने प्रॉपर टाइम लेके, तो क्या ही चस आती है माशाल्लाह। तो आज पाए वाला सीन फुल ऑन है, बड़े टाइम से खाने का मूड हो रहा था, लेकिन बाहर वाले जो पाए होते हैं वो पता नहीं क्या डालते हैं, क्या करते हैं, मसाले वगैरह ना चस नहीं आती, जो घर में सही बनाने आते हो ना बंदे को, तो फिर मैं कहता हूँ कि चस आ जाती है, ऊपर से सही प्रॉपर उनको टाइम दिया जाए गलने के लिए। कुकर शुकर आजकल ना लेडीज़ जो हैं ये कुकर पे चीज़ें चढ़ा देती हैं, गोश्त और ये ऐसी चीज़ें, तो फटोफट मिनटों सेकंडों में चीज़ें बन जाती हैं, पर वो चस नहीं आती जो चस लकड़ी की आग पे आती है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राउंड वन कम्प्लीट हो चुका है। राउंड वन में ये था कि पानी वगैरह डाल के, मिर्चें वगैरह नमक वगैरह डाल के इनको किया है बॉयल, बॉयल करने के बाद ये अब गल चुके हैं, और ये अभी इनका मसाला तैयार हो रहा है, साथ अम्मा जी बता रही हैं और साथ मैं बना रहा हूँ, तो मतलब उनकी हेल्प भी कर रहा हूँ मैं, तो अभी बस ये मसाला वगैरह तैयार होगा, वो अदरक वगैरह पड़ी हुई है, फिर लहसुन इसमें प्याज श्याज डाल दिया है, उसके बाद का सीन मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। तो बर खुशबू थोड़ी देर पहले जब पाए उबल रहे थे ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ, ज़बरदस्त किस्म की आ रही है, तो मैं मर जाऊँगा। मतलब मेरे लिए ज़िंदगी जो है ना दुश्वार हो जाएगी अगर ये नहीं किया। मैं हंस रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ रिश्तेदार देखेंगे और वो बोलेंगे चलो अली के घर चलेंगे, आज पाए बन रहे हैं, लेकिन जब तक आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह हम ये पाए खा के फिनिश कर चुके होंगे, और फिर जब आप आएंगे तो आगे पाए नहीं होंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा किचन में, एक तो मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, उसके बाद एक दो वो चीज़ें बाहर पड़ी हैं वो इधर उधर शिफ्ट करनी है, तो पहले देखूँगी क्या सूरत हाल है। इसके साथ साथ मैं ना आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारा जो घर है ना, इधर टेम्परेचर बड़ा मॉडरेट रहता है सर्दी में भी, ये देखिए मैं दिन को टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, माशाल्लाह ओपन एरिया है तो पूरा दिन सही ज़बरदस्त धूप लगती है। अब जिनकी जिन जो हमारे रिलेटिव है ना, जिनके घरों में सर्दी ज़्यादा आती है, वो जब यहाँ आती है ना तो बड़ा उनको कूजी कूजी सा फील होता है, तो स्पेशली मेरे कज़न लोग, उनका असल में ना कुछ जगह ऐसी हैं घर बन जाते हैं आगे पीछे, तो घरों में धूप नहीं लगती, गर्मी में धूप लगे तो अजाब होता है, ज़ाहरी बात है। अब जिस तरह हमारा इधर मतलब गर्मी ज़्यादा होती है बाहर सहन में, लेकिन अंदर वाले जो रूम्स हैं ना उनका टेम्परेचर ठीक होता है, तो सर्दी में बड़ा मसला होता है जिन घरों में धूप नहीं लगती, तो ऐसे लगता है हर टाइम ना पानी गिरा हुआ है। मैं कज़न लोगों के घर जाता हूँ तो उनके वहाँ पे हमें बहुत ठंड फील होती है, वो ख़ुद भी कहते हैं वहाँ पर रहते भी हैं कि हमारी तरफ बहुत ठंड होती है, तो खैर हम तो सर्दी में बड़े सुकून में रहते हैं माशाल्लाह, सुबह सुबह धूप लगना शुरू हो जाती है और रात तक तकरीबन मेरा मतलब है शाम गए तक ना धूप लगती रहती है। सो आज फुल पायों वाला सीन ऑन है, मोटे पाए पक रहे हैं, और कुछ लोग पाए में ना मतलब इनमें टमाटर भी डालते हैं, हम लोग टमाटर वाले नहीं पकाते हैं, हम लोग दूसरी तरह पकाते हैं, बस बाकी लवाजमात डलेंगे लेकिन टमाटर नहीं डलेंगे। अभी मैं ज़रा चमचा ला लूँ फिर आपको बताता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। किचन में आया था ये चमचा लेने के लिए क्योंकि लकड़ियों वाला चूल्हा जो है ना वो है ओपन एरिया में, तो अभी बस फिर मेरी पीटी हो रही है एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर पाए शाए खाएंगे ज़रा नान के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी ज़रा इनको भून रहा हूँ, ज़रा सही करके भूनने के बाद जो इनका शोरबा है ना वो इसमें डालूँगा, ज़रा अभी मसाला जो डाला था ना प्याज वगैरह वाला अदरक वगैरह, अभी ये उन्हें ज़रा बुनाई हो रही है, उसके बाद देखेंगे, चेक करें आप ज़रा कितना ज़बरदस्त धुआँ उठ रहा है, ओए हो खुशबू उसका तो मैं आपको बता नहीं सकता। बुनाई करने के बाद ना
ये जो बोटियाँ वगैरह और हड्डियाँ वगैरह हैं, उसके बाद जनाब अभी पानी डाल दिया हमने पायों की, और ये जो बोटियाँ वगैरह इसके साथ लगी हुई थी, मेरा मतलब है जो इनका मांस वगैरह होता है ना, इनकी अच्छी तरह बुनाई करने के बाद अभी जो पायों का शोरबा है ना वो इसमें ऐड कर दिया है। अभी ये अच्छी तरह उबलेंगे और फिर इनका टेस्ट बनेगा माशाल्लाह और ज़बरदस्त। चूल्हा चेक करें हमारा, आए मज़े, आए 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 मज़े। ये अभी पाए जो है ना दम पे लगा दिए हैं और अभी ये लकड़ियों की आग पे ज़बरदस्त किस्म की तूणी में आए हाय 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 जो खुशबू आ रही है, ओए होए होए। अभी इस पे पकते रहेंगे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, तो उसके बाद जब सही ओके हो जाएंगे उबल उबल के, तो फिर उसके बाद हम मज़े ले लेके खाएंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी मैं इनके पास बैठा हूँ क्योंकि बिल्लियाँ वगैरह कोई पता नहीं होता मौसम है, छत वगैरह से इधर उधर से उतर आती हैं, तो वो पता नहीं है सीन सारा ख़राब कर जाएँ, तो लिहाजा एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो अभी बस ये जब पकेंगे तो बस उसी का इंतज़ार है कि ये कब पकेंगे और कब मैं खाऊँगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अल्लाह ताला खाना नसीब भी करे, बाज़ औक़ात चीज़ पक रही होती है, बंदा कहीं और निकल जाता है, कोई काम पड़ जाता है, लेकिन काम भी मैंने जाना है तो मतलब लेट ना हो जाऊँ, थोड़ा बहुत तो रख देंगे, लेकिन वही बात है कि जब भी कोई खाना या कोई चीज़ ऐसी हो तो अल्लाह ताला को खाना नसीब करे, और दुआ हर टाइम मांगते रह करें खैर और बरकत की, और आफ़ियत की दुआ ज़रूर मांगा करें हर टाइम, और कोई भी चीज़ खाते हैं उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ा देता है, और आने वाली नेमत के लिए भी पहले पेशगी शुक्र अदा कर दिया करें, और हर चीज़ का मेरे मालिक मैं भी शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र हर नेमत फजल करम के लिए जो मेरे मालिक अता फरमाया और अता फरमाएगा। धूप बहुत तेज़ है, धूप में नहीं बैठा जाता। अभी मैंने थोड़ा सा शोरबा डाला इसमें और मैं ज़रा पी के चेक कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ टेस्ट कैसा है। ज़बरदस्त माशाल्लाह, सही ज़बरदस्त बना है। अभी थोड़ा और पकेगा, तड़का लगेगा, तड़का लगेगा लहसुन का और घी का, तो टेस्ट और ज़ीरा साथ डलेगा तो ज़बरदस्त हो जाएगा। अम्मा बताती जा रही हूँ और मैं काम करता जा रहा हूँ, ये देखें साथ साथ, कल को कोई फिर एतराज़ नहीं ना करेगा मुझ पे, समझा करें बात। ये अभी तड़के के लिए रखा हुआ है ना लहसुन और घी, तो इसका तड़का लगेगा और साथ ज़ीरा भी डाल देंगे, तो बहरहाल ओंट मेरे जो है ना चिपक रहे हैं, सही शोरबा ज़बरदस्त बना है। पाए जो हाथ चिपके ना ना खाते हुए तो समझो पाए बेकार हैं बस। जिंदगी दी चस लै यार, जिंदगी दी चस लै यार। आप ना वीडियो एंजॉय करें और हम टेस्ट और खुशबू दोनों एंजॉय करेंगे। वैसे भी आपको पता है मेरे हाथ में लज्जत बहुत है, टेस्ट बहुत है, वो अलग बात है, मैं किसी को पका के नहीं खिलाऊंगा, कभी भी नहीं खिलाऊंगा पका के, सिर्फ अपने लिए पकाऊंगा और अम्मा पापा के लिए पकाऊंगा बस, बाकी ये लाड हमसे नहीं होते, किसी और के लिए। ये अभी ब्राउन ब्राउन हो गया थोड़ा सा और अभी तड़का लगाने लगा हूँ मैं। ये भाई तड़का लग चुका है और पापो पाप हो गई है। गाइस ये पाए रेडी हो चुके हैं और किचन में शिफ्ट हो गए हैं, और ये देगची भी चेंज कर ली है, और अब खाएंगे आराम से, फिर आपको बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। गाइस बात कर रहा था कि हमारे इधर ठंड नहीं होती, तो अभी मौसम मेरा मतलब है कि ज़रा शाम हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ठंड लगना शुरू हो गई है मुझे, और फिर मैंने हुडी पहन ली है, तो बस नज़र लग गई है कहीं ऐसा ही ना हो बीमार ही ना हो जाऊँ, कहीं ठंड लग जाए। सो गाइस दिन का मैं लंच करने लगा हूँ और ये पाए रेडी हो चुके हैं, और नान मैंने नहीं मंगाए क्योंकि नान जो है ना मुझे पसंद नहीं है, मैं खाता हूँ रोटी, जो घर के देसी आटे की आदत पड़ चुकी हो ना तो फिर नान जो है ना स्वाद नहीं देते, मेरा मतलब है पायों के साथ तो अक्सर लोग इंजॉय करते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है नान, मजबूरन खाता हूँ। अभी मैं ज़रा लंच कर लूँ फिर आपसे गपशप लगाता हूँ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बेहद शुक्र हर नेमत फजल करम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लंच किया, पाए खाए और चस्सा आ गई। अल्लाह ताला सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए और सब देखने वालों की परेशानियां अल्लाह ताला दूर फरमाए और आप सब लोग खुश रहें,
और इसके साथ ही बस आज का व्लॉग एंड करने वाला हूँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ अली असलान, मेरे साथ कैमरामैन अली असलान और वो पीछे हमारा लकड़ियों वाला चूल्हा जो आजकल बहुत चल रहा है। अभी मैं एंड करने वाला था लेकिन मुझे याद आई काफ़ी जगहों पे गैस का सुना है बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी शहर वाले और गाँव वाले एक ही लेवल पर आ गए। खैर हम तो सिलेंडर यूज़ करते हैं मोस्टली, कभी कभी ये ज़रा जलाते हैं लकड़ियाँ वगैरह। तो दरख्त थे हमारे अपने तो वो कटवा लिए थे, वो आपको अपने ब्लॉग में देखा ही था। तो बस ये होता है कि पानी वगैरह गर्म हो जाता है, गैस महंगी भी होगी है और मिल भी नहीं रही है आजकल। उस दिन एक हाईवे पे किसी जगह पे मुख्तलिफ जगहों पे बल्कि मैंने न्यूज़ देखी थी कि एहतजाज कर रहे थे गैस नहीं आ रही। कज़न मेरे ने भी चूल्हा बनाया है ये वाला तंदूर और लकड़ियों का बंदोबस्त किया है, हालाँकि उनके एरिए में गैस आती होती थी लेकिन अब उधर भी इशू हो गया है, वो भी आपको किसी व्लॉग में दिखाएंगे। सो अली असलान ऑफिशियली नाउ साइनिंग आउट। मिलती है न्यू वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।